लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ईटीटी टीचर्स की जो सैलरी है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। हम दोनों मल्टीप्लाई फैक्टर लेंगे और दोनों मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ पे फिक्स करके 1/7/2021 को कितनी सैलरी बनती है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग है वो है 10 दिसंबर 2008। 10 दिसंबर 2008 इसकी ज्वाइनिंग है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई फैक्टर देखेंगे फ्रेंड्स, 2.59। अगर 2.59 मल्टीप्लाई फैक्टर लेना है तो हमें जो 1/1/2006 को फिफ्थ पे कमीशन मिला था, फिफ्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग तो सैलरी कैसे फिक्स होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है 5 अक्टूबर 2011 को, फिफ्थ पे कमीशन की जो इसमें रिविजन हुई थी। ईटीटी टीचर्स को जो 1/1/2006 को स्केल मिला था वो मिला था 6910-20200 और उनकी जो ग्रेड पे फिक्स हुई थी वो 3000 और इनिशियल पे जो फिक्स हुई थी वो। तो फ्रेंड्स, आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि 1/1/2006 से जो हमारी इनिशियल पे थी वो थी 11470 और 1/10/2011 को इस केडर की जो रिवीजन हुई वो 4200 ग्रेड पे के साथ 10334800 में 16290। ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जब हम फिक्सेशन करेंगे तो ये दोनों जो इनिशियल पेज हैं इनको हम बेसिक पे मान के उसकी फिक्सेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारी 1/7/2021 को जो बेसिक पे बनती है वो कितनी बनती है, दैट इज द न्यू बेसिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछली नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया कि 6910 और 20200 ये पेन पे बैंड मिला था जिसमें 3000 ग्रेड पे मिली थी इनको और जो इनकी इनिशियल पे बन रही थी वो बन रही थी 11470। तो इसमें फ्रेंड की जो ज्वाइनिंग डेट है 10/12/2008 मान रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने इसकी जो इनिशियल पे है 11470 जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी इनिशियल पे थी एज पर 1/1/2006। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसको इंक्रीमेंट लगते गए। इंक्रीमेंट के बाद 10/12/2012 को इसको 4-year ACP मिला यहाँ पे। 4-year ACP के बाद फिर फ्रेंड्स इसको जो है इंक्रीमेंट लगते गए, दैट इज अ 3% इंक्रीमेंट तो लगते गए। तो 1/12/15 को फ्रेंड्स इसकी जो बेसिक पे है वो ये बनती है अगर हम इसको इंक्रीमेंट लगा के फिक्स करते हैं। 31/12/15 को जो इसकी सैलरी है वो है 14570। तो 14570 को मल्टीप्लाई फैक्टर हमने लिया यहाँ पे 2.59 तो ये बनती है 37736.03। तो 37736 को हमने राउंड ऑफ कर लिया 37700। तो 37700 को फ्रेंड्स हम अब उस टेबल में देखेंगे, टेबल में इसकी नियरेस्ट अप वैल्यू कौन सी आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में आप देखिए कि 3000 ग्रेड पे के साथ ये उसका इनिशियल पे थी उस केडर के लिए जो हम ईटीटी टीचर्स की ले रहे हैं। तो इसका 2.59 मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ ये एक टेबल मेंशन कर दिया। वहां पे हम देख रहे थे फ्रेंड्स 37700। तो 37700 इस टेबल में हम देखेंगे, 37700 हमने देखा था फ्रेंड्स मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ की 37700 बेसिक बनती है तो ये तो नीचे चला गया, पर हम इसका अपर लिमिट देखेंगे तो 37700 के बाद 38700 आता है। तो 1/1/16 को इस एम्प्लॉय की जो इनिशियल पे है वो फिक्स हो गई आपकी न्यू बेसिक पे, दैट इज द न्यू बेसिक पे 38700। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यूज आप काइंडली नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमें अब फिक्सेशन अब आगे जो हम करेंगे 1/7/2021 तक तो ये वैल्यूज हमें जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स 38,700 आ गई। 38,700 के बाद 1,216 को नेक्स्ट जो टेबल में वैल्यू दी हुई है इंक्रीमेंट लगा के, वो वैल्यू आ गई। तो 1,217 को नेक्स्ट जो टेबल की 3% इंक्रीमेंट है वो वैल्यू आ गई। तो ऐसे जो 9 ईयर ACP यहाँ पे उसका आ गया, नेक्स्ट जो वैल्यू 3% इंक्रीमेंट की है वो आ गई। तो ये इंक्रीमेंट लगते लगते फ्रेंड्स 1/12/2020 को इसको जो इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट लग के जो वैल्यू आई वो आई 46,200। तो 46,200 उस टेबल में से इसकी वैल्यू है जो 1/12/2020 को ये सैलरी उसकी फिक्स हो गई। तो 46,200 1/7/2021 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46,200 पे हमने 17% DA लगाया, 8% HRA लगाया, 5% रूरल एरिया अलाउंस लगाया, फिक्स मेडिकल अलाउंस 500 और मोबाइल अलाउंस 250। तो ये बनती है 60,810। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स कि अगर हम 2.59 फैक्टर के साथ पे फिक्सेशन करते हैं तो हमें 2011 के जो बेनिफिट हैं उसको इग्नोर करके, उसको इग्नोर करके तो हमारी फिक्सेशन के साथ जो पे बनती है वो बनती है 60,810। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर हम 2011 के जो बेनिफिट हैं वो इंक्लूड करते हैं और मल्टीपल फैक्टर है जो 2.25 लेते हैं तो उसके साथ सैलरी है जो ईटीटी टीचर की क्या बनती है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने पिछली स्लाइड में देखा था फ्रेंड्स कि इसकी है 10/12/2008। तो इसका एक ACP लगेगा 10/12/2012 को और दूसरा ACP लगेगा 10/12/2017 को। ये 4 ईयर ACP है, ये 9 ईयर ACP है। तो फ्रेंड्स 1/10/2011 को जो स्केल रिवाइज हुआ था उसमें 4200 ग्रेड पे मिली थी ETT टीचर को और मिनिमम जो इनिशियल पे फिक्स हुई थी वो हुई थी 16,290। तो ग्रेड रिवाइज हुआ यहाँ पे तो आगे उसको एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो 16,710 हो गई उसकी 1/10/2012 को। उसके बाद 4 ईयर ACP यहाँ पे हमने उसको लगा दिया वो 3% ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट लगते लगते फ्रेंड्स उसकी 1/10/2015 को जो बेसिक पे है वो ये हो गई। तो 31/12/15 को जो उसकी बेसिक फिक्स हो गई वो हो गई 18,910। तो 18,910 को फ्रेंड्स हमने 2.25 के साथ मल्टीप्लाई फैक्टर लिया तो ये बन गई उसकी बेसिक पे 42,547.50। तो 42,500 ने 1/1/16 को उसकी टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स कर दी। तो 43,000 के बाद फ्रेंड्स टेबल की नेक्स्ट वैल्यू 3% इंक्रीमेंट 1/10/16 को इसको लगा, उसके बाद फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगा, फिर 9 ईयर ACP लगा 10/12/17 को, वो भी टेबल की अगली वैल्यू है क्योंकि 3% ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट है वो। तो ऐसे इंक्रीमेंट लगाते फ्रेंड्स 1/10/2020 को, 1/10/2020 को इसकी जो न्यू ग्रेड पे है वो 51,400 फिक्स हो गई। तो इसका एनुअल इंक्रीमेंट जो है अगला वो ड्यू है 1/10/2021 को। तो 1/7/2021 को भी इसकी जो इनिशियल पे है जो न्यू बेसिक पे है वो पे हमने 17% DA, 8% HRA और 5% रूरल एरिया अलाउंस, 500 FM में 250 मोबाइल अलाउंस लगा के, तो ये हमारी बनती है फ्रेंड्स ग्रॉस सैलरी एज पर 2.25 मल्टीप्लाई फैक्टर। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये फिक्सेशन की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी जो सैलरी है वो फिक्स कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।